डियर स्टूडेंट्स, उत्पादन फलन को पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ को परिवर्तन किया जाता है जिससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम या फिर जिसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में एक समान परिवर्तन होता है, एक समान चेंज करते हैं। ऐसे में उत्पादन की मात्रा तो छोड़िए, उत्पादन का पैमाना यानी कि उत्पादन का पूरा जो स्केल होता है वो पूरा बदल जाता है, जिसको पैमाने के प्रतिफल के नियम से जानते हैं, वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नियम हुआ। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अल्पकाल में जो नियम लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल में सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कुछ को स्थिर रखना पड़ता है और कुछ ही परिवर्तनशील होते हैं, तो ऐसे में उसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। और परिवर्तनशील अनुपात के नियम को कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन नहीं किया जाता है, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उसमें से केवल एक ही साधन को परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब उत्पादन के साधनों की बात करते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं, हमारे पास होता है भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी। साहसी का मतलब उद्यमी जो बिजनेस को करता है, और जो पांचवा होता है बेसिकली कहीं पांचवी संगठन। तो यहाँ पर केवल श्रम को ही हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर, हम उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ श्रमिकों को बढ़ाया या घटाया जाता है, जबकि इन बाकी को किसी प्रकार सा परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ही साधन में परिवर्तन होता है। इसलिए इसको एक साधन परिवर्तन अनुपात का नियम, उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपात के नियम के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से इसको जानते हैं। क्या है? क्योंकि ये नियम अल्पकाल में काम करता है, ये नियम अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा एक रूप में नहीं होता है, परिवर्तन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, परिवर्तन में भी परिवर्तन आता रहता है, कभी घटता हुआ बढ़ेगा, कभी जो है बढ़ता हुआ बढ़ेगा, कभी एक समान तरीके से परिवर्तन होगा। इसी आधार पर इस नियम की संरचना की गई है, उसी आधार पर इस नियम को बताया गया है। नॉर्मली ये समझिए, जब भी अल्पकाल में फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन करेगा, ऐसे में उत्पादन की मात्रा में जो भी परिवर्तन होता है उन्हें उत्पत्ति के नियमों के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ साधन स्थिर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दुकान है, दुकान में हमने फर्नीचर लगा रखे हैं, दुकान का जो किराया है, ठीक है ना, दुकान में जो बाकी सामान लगा रखे हैं वो हमारा स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उत्पादन के बढ़ने के घटने के साथ, उत्पादन हमारे कपड़े की दुकान है तो कपड़ा और इसमें लगने वाला जो लेबर होता है, जो लड़के होते हैं, उनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दुकान क्योंकि स्थिर साधन स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे में जब परिवर्तन साधनों को बहुत ज़्यादा घटाएंगे या बढ़ाएंगे इससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। इसी कारण से जो नियम निकल के आता है उसे उत्पत्ति के नियम यानी कि उत्पादन के नियम के नाम से जानते हैं, और इसी को हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ होगा, कभी रुक जाएगा, कभी घट जाएगा, क्योंकि हमारे पास साधन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। साधनों के स्थिर होने के कारण जो है उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसके तीन लेवल बन जाते हैं। उसी आधार पर यहाँ पर तीन नियम बताए गए हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था जिसको उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है साधन के स्थिर प्रतिफल की अवस्था जिसको उत्पत्ति समता नियम के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है साधन के घटते प्रतिफल की अवस्था जहाँ पर उत्पादन की मात्रा में बढ़ने की बजाय जो कमी होने लगती है, घटने लगती है, इसको उत्पत्ति ह्रास नियम के जानते हैं। और एक्चुअली में इन तीनों को, इन सभी नियमों को समाहित करके एक नियम उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको बोलते हैं उत्पत्ति का आधुनिक नियम, जिसके बारे में भी मैं आपको आज लास्ट में बताऊँगा। उत्पत्ति आधुनिक, उत्पत्ति का आधुनिक नियम एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मैं डिटेल से चित्र सहित, क्योंकि ये सारे नियम जो आपको बताए जाएंगे उसको डायग्राम के साथ आपको पता होना चाहिए, तो बने रहिएगा, हर एक नियम को डायग्राम के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, दिमाग को यहाँ पर बैठा दीजिए ताकि हर एक नियम आपको समझ में आ जाए। आपको पता ही है कि हिंदी मीडियम चैनल का, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बेहतरीन चैनल ये, सबसे अच्छा, जहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को आपको मिलता है, ठीक है, अच्छे से। बहुत ही जल्दी मैं ग्रेजुएशन वालों के लिए प्रॉपर कोर्स शुरू करने वाला हूँ, प्रॉपर फ्री कोर्स। कोर्स का मतलब ये नहीं कि आपको खरीदना पड़ेगा, फ्री, मेरा हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो जब हम इन तीनों नियमों की बात करते हैं, एक एक नियम की बात करेंगे। सबसे पहला नियम होता है साधन के बढ़ते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम। साधन के बढ़ते प्रतिफल का मतलब होता है यहाँ पर उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि करोगे उसकी तुलना में उत्पादन की मात्रा में अधिक वृद्धि हो रही है। मतलब है उत्पादन की आरंभिक अवस्था, ये पहले शुरुआत आपने नया बिजनेस शुरू किया, अभी भी आपके पास साधन है, साधन के आपके पास उत्पादन चल रहा है, आप जो है सेलिंग कर रहे हैं, आप उसके बदले में अपने परिवर्तन साधनों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या पा रहे हैं कि आपकी उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। तो पहली अवस्था है जब उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को परिवर्तित किया जाता है। एक साधन मतलब हम केवल श्रम को बदल रहे हैं, श्रम यानी कि श्रमिकों को बढ़ा रहे हैं, श्रमिकों का जैसे हमारी दुकान है, कपड़े की दुकान में हमने एक सब कुछ रख लिया, कपड़े भी भरे पड़े, अब जो लड़के काम करने पहले दो थे, उत्पादन बढ़ गया, एक फिर बढ़ गया, हम केवल लड़कों को घटा बढ़ा रहे हैं जो काम करने वाले, क्योंकि उत्पादन के साथ जैसे मौसम आ जाता है नए लड़के रख लेते हैं, जैसे मौसम चला जाता है उनको काम से निकाल देते हैं, क्योंकि उत्पादन की बात होती है, क्योंकि साधन हमारे पास इतने साधन, दुकान तो उतना ही है, लेकिन सेलिंग के साथ साथ केवल एक ही चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे में केवल कुछ साधनों को स्थिर रख के केवल एक साधन की मात्रा में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है सेलिंग बढ़ रही है, लड़का रखोगे और सेलिंग बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ता हुआ होता है, टीपी बढ़ता हुआ होता है, और इसीलिए इसको उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं, कुछ साधन स्थिर है उसको छोड़िए, अब बाकी साधन आप बढ़ा रहे हैं, ऐसे में आपका जो उत्पादन है, कुल उत्पादन जो टोटल, वो बढ़ता हुआ होता है, और जब कुल उत्पादन बढ़ता हुआ होता है उस स्थिति में जो सीमांत उत्पादन होता है यानी कि प्रति इकाई उत्पादन जो होता है और सीमांत उत्पादन होता है, ये दोनों ही औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही बढ़ते हुए नजर आते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं, तो सीमांत उत्पादन के बढ़ने के कारण ही यहाँ पर कुल उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, और इसी कारण से यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो तो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे इसको बेनहम ने अपने शब्दों में कहा है कि स्थिर कारकों के संयोग में एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है, यानी कि कारक मतलब होता है साधन, यानी कि फैक्टर, कारक जब भी बोला जाए समझिएगा वो साधनों की बात हो रही है। तो जब एक अनुपात एक साधन को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर उत्पादन के साधन बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्पादन की मात्रा भी बढ़ रही है, जिससे औसत उत्पादन 4 से 5 से 6, 6 से 8 से 10 से 13 बढ़ रहा है, औसत उत्पादन में वृद्धि हो रही है और सीमांत उत्पादन में भी। अगर ऐसी अवस्था होती है कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ औसत और सीमांत दोनों ही बढ़ रहा है तो उसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में जो सीमांत उत्पादन होता है MP और जो औसत उत्पादन होता है AP दोनों ही बढ़ते हैं, और इन दोनों के बढ़ने से जो कुल उत्पादन होता है बड़े तेजी से बिल्कुल सीधा खड़ा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और इस प्रकार से ग्राफ हमारे सामने नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी एक पॉइंट पे होता है तो कुछ यहाँ से निकल के आता है, ये वाला पॉइंट बनता है, क्योंकि तीनों ही एक बिंदु पे होते हैं पहले स्थिति में, फिर क्योंकि MP और AP बढ़ता चला जाता है तो कुल उत्पादन की बढ़ने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं प्रथम पहली अवस्था, जहां पर बढ़ते प्रतिफल या फिर उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास कुछ साधन स्थिर होते हैं तो ऐसे में हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा, ऐसी बात नहीं है, एक समय ऐसा होता है जो बढ़ने की रफ्तार रुक जाती है, बढ़ती तो है लेकिन रुकते हुए, तो ऐसे में साधन के समान प्रतिफल की अवस्था उस अवस्था से होती है जब जिसमें परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से जितना हम साधन प्रयोग कर रहे थे, लेबर जितना था अब लेबर और बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसे में उत्पादन में वृद्धि तो होती है लेकिन सीमांत उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती, यानी कि प्रति इकाई उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही यहाँ पर रुक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो उत्पादन बढ़ता है वो एक समान दर के साथ बढ़ने लग जाता है। एक समान दर बढ़ने का मतलब होता है मान लो कुल उत्पादन पहले 180 था, पहले 5 इकाइयों पर फिर 6 कर दिया तब भी 180 है, 7 में भी 180 है, ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है ना, तो क्योंकि उत्पादन की में जो होता है ना सीमांत उत्पादन वो हमारा एक समान हो जाता है, अब उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही एक समान रहते हैं,
जब दोनों ही एक समान रहते हैं। इसको हैंसन ने कहा है कि साधन के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार कारक के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होता है जब परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन एक समान दर से बढ़ जाता है। देखिए, हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो एक समान है, 30 से 60, 60 से 90, हर बार 30 यूनिट की ही वृद्धि हो रही है। ऐसे में औसत उत्पादन में भी 30 आ रहा है और सीमांत उत्पादन भी 30 हो रहा है। और स्थिति में जब ग्राफ बनता है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का, वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर एपी और एमपी दोनों ही बराबर होते हैं और जो सीमांत जो कुल उत्पादन होता है वो बढ़ने की बिल्कुल इस तरह से एक पैरेलल वे में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। तीसरी जो स्थिति है साधन के घटते प्रतिफल की अवस्था, ये एक ऐसे प्रतिफल की अवस्था होती है कि जब हम उत्पादन के एक निश्चित लिमिट तक पहुंच जाते हैं, एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ऐसी ऑक्युपाई होती है कि हमारा जो स्थिर साधन है उसकी जो कैपेसिटी है उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। जब उत्पादन की एक मैक्सिमम लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, अगर उसके बाद भी हम जो है अपने साधन उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे तो वो रिटर्न नहीं देगा, उससे हमें कुछ प्रतिफल स्वरूप नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगा तो और बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ठेली है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ये ठेली से समझिए। आपकी एक ट्रेड़ी है, ठेली है, जहाँ पर पहले आप अकेले काम करते थे। ठेली इतनी बड़ी है, आप अकेले काम कर रहे हैं। ये जो ठेली है ये आपका स्थिर है, जहाँ पर आप अपने साधनों को नहीं बढ़ा सकते। इतनी जगह, इतने एरिया में आपका सामान रख के आप सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग बढ़ता चला गया तो आपने कहा चलो एक और अपने साथ जो है एक लड़का रख लेता हूँ, रख लिया। सेलिंग फिर बढ़ गई, फिर एक लड़का रख लिया। सब जो है कस्टमर को देख रहे हैं, फिर एक लड़का रख लिया, फिर बढ़ाते चल रहे हैं। एक यहाँ पर रख लिया, फिर बढ़ाते चले गए। अब आपका जो स्थिर साधन है उसके अनुसार आपने पर्याप्त लड़कों को रख लिया काम पे। अब लड़के कहाँ खड़े होंगे, इसके बाद कह रहा है सेलिंग और भी बढ़ गई है, चलो एक और लड़का रख लेता हूँ। चलो ठीक है, इस लड़के रखने से आपका उत्पादन बढ़ा तो नहीं लेकिन इनको सहायता मिल गई कि ये इसको कंप्लेट वगैरह सब धो धा के दे रहा है, ठीक है, इन सबको हेल्प कर रहा है। लेकिन वास्तविक यहाँ पर उत्पादन आपका स्थिर हो गया क्योंकि इस लड़के के आने से उत्पादन बढ़ा नहीं, जो चल रहा था वही चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अगर एक लड़का और रखते हैं आप, तो इसको रखना बेकार है, बेफिजी हो गया क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है बाकी जो लोग कमा रहे उसकी सैलरी से जाएगा। अब उत्पादन बढ़ेगा नहीं, एवरेज देखेंगे उत्पादन में कमी होने लगेगी क्योंकि ये जो काम करने आ रहा है इन सबके उत्पादन की मात्रा को कहीं ना कहीं कम कर देगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास स्थिर साधन है तो उसकी एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक आप अपने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद भी बढ़ाते रहेंगे तो बदले में आने की जगह आपका नुकसान होता रहेगा। तो इसी के अनुसार इस नियम में यह कहा जाता है कि साधन के घटते प्रतिफल की दशा तब उत्पन्न होती है जब परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है, कि यहाँ पर मिलने की बजाय क्या हो जाए, रिटर्न कम हो लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ उत्पादन हमारी घटती दर से बढ़ता है। जब कुल उत्पादन वृद्धि तो होती है लेकिन वृद्धि की रफ्तार कम हो जाती है, कभी कभी ये बढ़ने की जगह स्थिर होकर फिर घटने भी लग जाती है क्योंकि यहाँ पर सीमांत लागत बढ़ती है, लागत ज़्यादा आ रहा है, उस लागत से हमारी जो रिटर्न है उसमें कमी होने लग रही है। कुछ इस तरह से समझिए, जैसे उत्पादन परिवर्तन साधन की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, कुल उत्पादन 30 से 50 से 65 से 65 फिर 60, देखिए पहले 30 हुआ था औसत, फिर 25, फिर 21, फिर 16, फिर 12, सीमांत उत्पादन यहाँ तक आया था, फिर जीरो के माइनस हो गया। तो इसका मतलब होता है एक लिमिट होता है जब तक हम अपने साधनों को बढ़ा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ाने लगते हैं तो ऐसे में हमारा प्रतिफल घटने लगता है और सीमांत उत्पादन के घटने के कारण कुल उत्पादन भी घटने लगा। तो इस स्थिति में अगर कुल उत्पादन हमारा बढ़े तो बढ़ने की रफ्तार सीधी हो जाती है फिर, क्यों, क्योंकि सीमांत उत्पादन हमारा कहाँ चला जाता है, माइनस में चला जाता है और औसत उत्पादन हमारा धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है और ये होता है कुल उत्पादन। कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। अब इन तीनों को एक साथ मिला के एक ही नियम की संज्ञा दिया गया है, एक ही नियम बनाया गया है जिसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक दृष्टिकोण। जैसे हमने तीनों नियमों को अलग अलग पढ़ा ना, अब इन तीनों को एक ही नियम के साथ बताया गया आधुनिक दृष्टिकोण। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, उन लोगों ने कहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन में जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तन साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के कारण अविभाज्य साधन का कुशल प्रयोग संभव हो पाता है।
और एक बिंदु तक साधनों का आदर्श संयुक्त। देखिए जितना हमारे पास स्थिर साधन है उसके लेवल में हिसाब से, उसके हिसाब से अगर परिवर्तन साधनों को हम बढ़ा रहे हैं तब तो सही है, रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसके साथ सामंजस्य बैठा के अगर नहीं चलते हैं तो रिटर्न हमारा जो होता है उत्पादन की जो मात्रा है उसमें गड़बड़ मामला आने लगता है। तो इस बिंदु के बाद, लेकिन उस संयुक्त सीमा के बाद, एक बिंदु होती है उसके बाद जैसे जैसे परिवर्तन साधनों की साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे सीमा उत्पादन गिरता चला जाता है। एक सीमा तक तो सही है, जैसे लिखा हुआ संयुक्त स्थापित हो जाता है मतलब संतुलन स्थापित हो, वहां तक तो सही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक पॉइंट तक, जैसे मैंने ठेली का एग्जांपल दिया था, एक समय तक तो सही उत्पादन, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा लड़के रख लेते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, उत्पादन स्थिर होगा, फिर धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अपना मैक्सिमम लिमिट पहचानना जरूरी है, नहीं पहचानने के बाद भी स्थिर साधनों को बढ़ाया जाता है तो ऐसे में आपका रिटर्न घटने लगता है और उत्पादन की मात्रा में कमी होने लगती है। स्ट्रगलर ने इस नियम के बारे में एक्सप्लेन किया और कहा कि कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों को समान वृद्धि की जाए तब एक निश्चित बिंदु की बाद उत्पादन की उत्पादन होने वाली वृद्धि कम हो जाती है। उत्पादन बढ़ने की जो रफ्तार है, उत्पादन बढ़ने की जो स्थिति है, जो क्रम है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, गिरने लगती है। उसी चीज़ को श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने भी कहा है कि यह उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य साधनों की मात्राएं वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की दर में क्या होती है, उत्पादन की दर में कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, यहां पर वृद्धि लिखा हुआ, सॉरी कमी होगी, थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में गलती हो गई। अब इसी चीज को हम बात करेंगे कि इस नियम कब लागू होता है, सॉरी तो ये नियम कब लागू होता है। इसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं कि एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील अन्य तथा अन्य स्थिर रहते हैं। ये तब होता है जो कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और अन्य साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। सभी साधनों को एक समान रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। नंबर टू, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होनी चाहिए। जो साधन हम बढ़ा या घटा रहे हैं वो सभी साधन एक जैसे होने चाहिए, एक रूप में होने चाहिए, एक प्रकार की कुशलता वाला होना चाहिए। तकनीकी स्तर में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो, भाई उत्पादन की तकनीक में अगर परिवर्तन होता है, भले ही साधन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तभी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मान के चलते हैं जब केवल साधनों की बात करते हैं तो तकनीक अपनी जगह पर होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थिर साधन अविभाज्य होने चाहिए, स्थिर साधनों में कोई भी वर्गीकरण या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन होनी चाहिए, कोई भी स्थानापन उसकी जगह पर मौजूद नहीं होना चाहिए। और स्थिर साधन सीमित और सीमित होते हैं, और ध्यान में रखना ये सीमित ही लिखा हुआ, सॉरी फॉर दिस, ये सीमित और दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जो स्थिर साधन है उसको जब चाहे हम जो है परिवर्तित नहीं कर सकते, बढ़ा या घटा नहीं सकते। इस नियम को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाए तो इस नियम को तीन वर्गों में बांटा गया है, उत्पत्ति ह्रास नियम को। इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आता है, दूसरी अवस्था में उत्पादन स्थिर नजर आता है, और तीसरी अवस्था में उत्पादन गिरने लगता है। कैसे, देखिए यहाँ पर यह है उत्पादन की स्थिर साधन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन के हर एक लेवल में स्थिर है। ये उत्पादन के परिवर्तनशील साधन है जो हर लेवल पर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन ये वृद्धि एक समय जाके रुक सी जाती है और उसके बाद भी बढ़ाने पर ये क्या होने लगती है, कम होने लगती है, माइनस में। क्यों? क्योंकि इसी समय सीमांत उत्पादन को देखना पड़ेगा आपको। सीमांत उत्पादन यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर हमारा यहाँ पर ये जो घट रहा है, फिर इसके नीचे ये क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो ऐसी स्थिति को उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात का नियम, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, और उत्पत्ति ह्रास नियम इसे कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति की मात्रा एक समय के बाद घटने लगती है और औसत उत्पादन भी यहाँ पर एक समय तक बढ़ेगा, फिर सीमांत उत्पादन की तरह ये घटने लगता है। लेकिन ध्यान में रखना कि सीमांत उत्पादन माइनस में जा सकता है लेकिन औसत उत्पादन कभी भी माइनस में नहीं जाता है। इसी चीज को अगर हम बात करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो यहाँ पर तीन अवस्थाएं हमारे निकल के आती हैं। पहली अवस्था है यहाँ से यहाँ तक, जब हमारा सीमांत उत्पादन कहाँ तक है, भले ही घट रहा हो लेकिन पॉजिटिव में हो, इसको बोलते हैं उत्पादन की प्रथम अवस्था। दूसरा है जब हमारा कुल उत्पादन स्थिर हो जाए, इसको बोलते हैं द्वितीय अवस्था। और उसके बाद जब ये घटने लग जाए
इसको बोलते हैं कैसी अवस्था, तृतीय अवस्था, तीसरी, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था और ये तीसरी अवस्था। डायग्राम के रूप में अगर इसको शो करते हैं तो एक समय तक सीमा उत्पादन बढ़ता है, फिर जाके ये घटने लगता है, ये हो गया एमपी, ठीक ना। तो एपी भी बढ़ेगा फिर एपी भी घटने लगनी, ये कभी भी माइनस में नहीं जाता है। ये हो गया टीपी। देखिए तीनों अवस्था को मैं बताऊं, पहली अवस्था ये है, दूसरी अवस्था को यहां बांट देते हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और ये हो गया तीसरी अवस्था। देखिए पहली अवस्था में हमारा एमपी बढ़ रहा है, ये जैसे भी हो यहां तक आ जाता है, जिससे हमारा टीपी जो है स्थिर हो जाता है। दूसरी अवस्था में ये जो है हमारा एक लेवल, जहां पहले था एक लेवल में आ जाता है। तीसरी अवस्था में एमपी माइनस होता है तो हमारा टीपी भी नीचे की ओर गिरने लगता है। तो तीन अवस्था में इस उत्पादन को बढ़ाते हैं। जहां पर पहली अवस्था को बोलते उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिबल की अवस्था, वही नियम यहां पर भी लागू होता है। जैसे जैसे परिवर्तित साधनों में प्रयोग बढ़ाई जाती है, हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। इस स्थिति में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही बढ़ते हैं। तीनों नियमों को एक साथ कर दीजिए। दूसरी अवस्था होती है घटते प्रतिबल। इस अवस्था में हमारा सीमांत उत्पादन घटने लगता है, लेकिन कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की रफ्तार क्या हो गई, कमी हो गई, यानी कि स्थिर सी रफ्तार हो गई, ठीक है। जबकि तीसरी अवस्था में हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, जो एमपी होता है ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण से कुल उत्पादन घटने लगती है। कुल उत्पादन में क्या होने लगती है, कभी कुल उत्पादन हमारा यहाँ पर आके फिर धीरे धीरे घटने लगता है। इसका सीधा सा रीजन है क्योंकि सीमांत उत्पादन हमारा माइनस में हो जाता है, ठीक है, गिरने लगता है। तो इस प्रकार से ये तीन, अब बात होती है कि ये नियम लागू क्यों होता है, परिवर्तनशील जो नियम है ये क्यों लागू होता है। सबसे पहली बात, अल्पकाल में, अल्पकाल में हम सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते, पहली बात है। एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर रखते हैं क्योंकि सभी साधनों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जब एक साधन स्थिर हो जाता है तो स्थिर साधनों के पैमाने के अनुसार ही हम बाकी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर उसके पैमाने के बाहर परिवर्तन किया तो ये नियम लागू होता है, उत्पादन हमारी कम होने लगेगी। साधनों की अविभाज्यता, साधनों को वर्गीकृत नहीं कर सकते, साधन अपनी जगह स्थिर रहते, जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रयोग में लाना होता है। साधनों की सीमितता होती है, साधन हमारे पास लिमिटेड होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज घटा या बढ़ा नहीं सकते। और उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन हो पाना नहीं हो पाना, जो उत्पत्ति के साधन है उसका पूर्ण स्थानापन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं ताकि उसको हम परिवर्तित कर सके, जो है उसी का प्रयोग। इसी कारण से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जो ये बताता है कि स्थिर साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तन साधनों को बढ़ाएंगे तो एक सीमा तक तो उत्पादन में वृद्धि होगी, फिर धीरे धीरे उत्पादन हमारी कम होने लगेगी, एक समय ऐसा आएगा उत्पादन में कमी, यानी कि उत्पादन हमारा घटने लगे। तो ये तीनों अवस्था को ध्यान रखिएगा, जिसको आधुनिक अवस्था। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझाइए, उत्पादन के एक साधन प्रतिफल के नियम को समझाइए, या फिर उत्पत्ति ह्रास नियम के आधुनिक दृष्टिकोण को समझाइए। तब इसको उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, समझाया। अगर कहीं पर भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो अपने डाउट को बेझिझक बेधड़क मुझे बताइए। किसी भी तरह का डाउट होता है, कोई भी डाउट कहीं पर भी होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सोशल मीडिया आईडी भी गिवन है, और मैं तो हूँ ही, कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के बताइए। थैंक यू एंड बाय।